Assalamualaikum viewers, this is Eesha Vaseem. Welcome to my channel. After a long time, मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए कुछ नया लाया जाए. तो वो स्टूडेंट जो इंग्लिश और उर्दू हैंडराइटिंग सीखने के ख्वाहिशमंद हैं, आज ही से मेरी वीडियो देखना शुरू करें और अपनी हैंडराइटिंग को बेहतर बनाएं. So learn handwriting skill with Eesha. Let's start the video. So, this is our English lesson number 1. तो आज हम English के handwriting की class 1 में strokes सीखेंगे. Strokes कैसे बनाते हैं? Strokes English handwriting में main चीज है. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि English की जब हम handwriting करते हैं cut marker से, तो हम किस तरह पकड़ते हैं? हम English की handwriting करते वक्त cut marker को इस तरह पकड़ेंगे. और उर्दू की हैंडराइटिंग करते वक्त इस तरह. लेकिन अभी हम इंग्लिश की कर रहे हैं, तो हम इस तरह कट मार्कर को होल्ड करेंगे. सो मैंने उसी तरह कट मार्कर को होल्ड किया और अब मैं स्ट्रोक्स बनाऊंगी. सबसे पहले अगर आपने थिन स्ट्रोक बनाना है, तो आप ये टिप यूज करेंगे कट मार्कर की. ये जो टिप होती है, इसका यूज करेंगे. अगर हम इस टिप को यूज करते हुए बनाएं, तो हमारे पास ये थिन स्ट्रोक बने. ये देखिए थिन है. और अगर हम थिक बनाएंगे, तो पूरे कट मार्कर को हम यूज़ करेंगे, जैसे लाइक दिस. ये हमारे पास थिक स्ट्रोक बने, ये हमारे पास थिन बने. अगर हम कट मार्कर की टिप को यूज़ करेंगे, तो हम थिक स्ट्रोक थिन स्ट्रोक बनाएंगे. और अगर हम पूरा कट मार्कर यूज़ करेंगे, तो हम थिक स्ट्रोक बनाएंगे. जैसे अब दोबारा मैं करके दिखाती हूँ. कट मार्कर की टिप को यूज़ करते हैं, यह हमारे पास थिन बना कट मार्कर. अगर हम फुल कट मार्कर को यूज़ करेंगे, फुल निप को यूज़ करेंगे, तो हमारे पास ये थिक बना. अगर हम थिन स्ट्रोक जब बनाएंगे, तो हमने टिप को दबाना नहीं है, क्योंकि जब अगर हम टिप को दबाएंगे, तो हमारे जो कट मार्कर है वो ख़राब हो जाएगा. उसकी कट मार्कर की जो टिप है वो ख़राब हो जाएगी. ये हमारे पास कौन सा स्ट्रोक है? थिक स्ट्रोक. ये हमारे पास कौन सा स्ट्रोक है? थिन स्ट्रोक्स. तो अगर हम इन दोनों स्ट्रोक्स को आपस में मिलाएं, तो कुछ इस तरह के स्ट्रोक बनेंगे. थिन स्ट्रोक, थिक स्ट्रोक, थिन स्ट्रोक, थिक स्ट्रोक, फिर थिन, फिर थिक. ये मेन चीज़ होती है इंग्लिश हैंड राइटिंग में. अगर आपको ये चीज़ें स्ट्रोक्स बनाना आ गए, तो आप अल्फ़ाबेट्स बना लेंगे. और अगर आप अल्फ़ाबेट्स बनाना अच्छे से सीख लेंगे, तो आपकी इंग्लिश की हैंड राइटिंग कट मार्कर से बहुत अच्छी हो जाएगी. तो ये जो स्ट्रोक्स हैं, ये मेन बेसिक होती है इंग्लिश हैंड राइटिंग की. इंग्लिश हैंड राइटिंग आपको प्रैक्टिस करने से आएगी. तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतने आपके प्रोमिनेंट स्ट्रोक्स होंगे और उतनी आपकी अच्छी इंग्लिश हैंड राइटिंग होगी. और ये जो चीज़ होती है, ये प्रैक्टिस से बनती है. ये जो थिक के बाद फिर डायरेक्ट थिन आ जाना, अभी आप लोग इसी चीज़ की प्रैक्टिस करें. थिन फिर थिक, इस तरह. इसी से फिर अल्फ़ाबेट भी लिखते हैं हम लोग. जैसे अगर मैं ए लिखूं, तो पहले मैंने थिन लिखा, फिर थिक, उसके बाद फिर ऐसे मिला दिया, ऐसे. अगर मैं बी लिखूं, थिन, थिक, लाइक दिस. सी लिखूं, ऐसे. डी लिखूं, ये बाकी अल्फाबेट्स में डिटेल से आपको क्लास 2 में या क्लास 3 में आपको सिखाऊंगी. अभी हमारे जो लेसन नंबर 1 में जो मेन टास्क है, वो स्ट्रोक्स बनाना है. आप लोग जितने स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आपकी इंग्लिश हैंड राइटिंग खूबसूरत होगी. अगर मैं इन्हीं स्ट्रोक को यूज़ करते हुए हैंड राइटिंग लिखूँ, तो इस तरह का कुछ लिखा जाएगा हैंड राइटिंग. आपने बस ये याद रखना है कि हमने किस तरह होल्ड करना है कट मार्कर को, वही मेन बेसिक चीज़ है. जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह होल्ड किया है, और आपने इसी तरह होल्ड करना है कट मार्कर को इंग्लिश जब आप लिखें, इंग्लिश हैंड राइटिंग. अब अगर मैं हैंड राइटिंग लिखूँ, इससे पहले थिक थिक यूज़ किए, और ये तो आपको प्रैक्टिस से ही आपकी ये स्ट्रोक बनेंगे. एच बनाएंगे पहले हम, ये थिन.
देखिए मैं सारे देखिए स्ट्रोक्स को यूज़ करके बना रही हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो ये देखें ये कौन सा स्ट्रोक है, ये है थिन स्ट्रोक। स्ट्रोक्स मेन चीज़ है, आप इन्हीं की प्रैक्टिस करें। ये है थिक स्ट्रोक। हैंड राइटिंग में लिख रही थी, फिर डी हमने बनाया, फिर डब्ल्यू। ये सारे अल्फ़ाबेट हम सीखेंगे, लेकिन आज का जो हमारा मेन काम था वो स्ट्रोक सीखना था, तो आप उन्हीं की प्रैक्टिस करें। ये देखिए मैंने हैंड राइटिंग स्ट्रोक्स की मदद से हैंड राइटिंग लिखा है। मैं अगेन बता रही हूँ आपने कैसे पकड़ना है, ऐसे का मार्कर को पकड़ना है, ये थिन ये थिक। अगर हम आपस में मिलाएंगे थिन थिक। सो ये था आज का हमारा लेसन नंबर 1। तो मैं आप लोगों को अल्फाबेट्स लेसन नंबर 2 या लेसन नंबर 3 में सिखाऊंगी। एक दफ़ा फिर मैं क्लोजअप करके स्ट्रोक्स बनाना सिखाती हूँ। तो दोबारा बता रही हूँ कि जब आप इंग्लिश हैंड राइटिंग करने लगे तब आपने अपनी मार्कर की निब को ऐसे पकड़ना है, आप कैमरे में देख सकते हैं। अब मैं स्ट्रोक्स बनाती हूँ। ये थिन ये थिक, ऐसे इसी तरीके से आपने स्ट्रोक की प्रैक्टिस करती जानी है, लाइक दिस। ये मैंने आपको क्लोजअप करके दिखा दिया है, ये थिन ये थिक। जब हम थिन बनाने लगे तब हमने टिप यूज की है, टिप, उसके बाद फिर जब थिक बनाने लगे तब पूरा मार्कर, लाइक दिस। तो आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है, तो मिलते हैं कल लेसन नंबर 2 के साथ। अल्लाह हाफिज़।